अरे अरे चिंटी बहन, क्या कर रही हो ये तुम? तुमने अपना पेट तो भर ही लिया है, अब तुम बचे हुए दाने को कहाँ ले जा रही हो? मैं रोजाना आधा खाना खाती हूँ और आधा बचाकर अपने घर में रखती हूँ। इसे कहते हैं बिना मेहनत किए खाने का इंतजाम करना। ड्रीमलैंड जंगल में रॉकी नाम का एक कौवा रहता था, जिसकी जिंदगी जीने का तरीका बाकी पक्षियों से बहुत ही अलग था। बेवकूफ जानवर, रोजाना घंटों मेहनत करके खाना ढूंढ पाते हैं, फिर खूब मशक्कत करके उनको घर लाते हैं, तब उनको खाना नसीब होता है, लेकिन मेरा हिसाब सबसे अलग है। उसने देखा कि टीनू चिड़िया एक सेब को पंजों में दबाए बड़ी मुश्किल से उसे अपने घोंसले तक लेकर आई है। अरे टीनू चिड़िया, आज तुम्हें आने में इतनी देर कैसे लग गई? मैं कब से तुम्हारी राह देख रहा था। तुम जरूर मेरा खाना चुराना चाहते होगे, इसलिए मेरी राह देख रहे थे। अरे वो बात नहीं है, अभी तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारे घोंसले पर आया था, बहुत रो रहा था। क्या मेरा भाई रोते हुए आया था? तुमने पूछा नहीं उसके रोने की वजह क्या है। मैंने बहुत कोशिश की, तब उसने बताया कि तुम्हारी मम्मी के दोनों पंख कट चुके हैं और वो अभी अपनी आखिरी सांसें गिन रही हैं। क्या कहा तुमने, मेरी माँ आखिरी सांसें गिन रही है? ये सुनकर टीनू चिड़िया को एक झटका सा लगा, वो अपनी आँखों में आंसू लिए झटपट वहाँ से उड़ गई। इसे कहते हैं बिना मेहनत किए खाने का इंतजाम करना। ये कहकर वो खुश होता हुआ टीनू के घोंसले पर गया और उसमें रखा सेब बड़े मजे ले लेकर खाने लगा। वाह मजा आ गया, अगर मेहनत करके खाता तो इतना मजा बिल्कुल नहीं आता। उसने आधा सेब मजे से खाया और फिर बाकी बचा जमीन पर फेंक दिया। खाना तो हो गया, अब थोड़ी देर मौज मस्ती कर ली जाए। ये कहकर वो पंख फैलाए फिजा में उड़ गया। इसी तरह अपनी चालबाजी से वो जंगल के हर जानवर को छलता था। इसी जंगल में एक मेहनती चींटी भी रहा करती थी, और इस वक्त कौवा हंसी ठट्ठा करता हुआ एक डाल पर बैठा उसी चींटी को देख रहा था। उफ, कितना भारी चना है, इसको यहाँ तक लाते हुए मेरी तो हालत ही खराब हो गई। चींटी ने उस चने को थोड़ा सा खाया, अब उसका वजन थोड़ा हल्का हो गया था। फिर उसने फिर से उस चने को उठाया और गुफा की तरफ चल दी। अरे अरे चिंटी बहन, क्या कर रही हो ये तुम? तुमने अपना पेट तो भर ही लिया है, अब तुम बचे हुए दाने को कहाँ ले जा रही हो? मैं रोजाना आधा खाना खाती हूँ और आधा बचाकर अपने घर में रखती हूँ, जो कि इस गुफा में है। क्या बेवकूफी है, भला आधा बचाकर रखने से फायदा ही क्या होता है? उसको उठाकर घर तक लाने में तुमको परेशानी नहीं होती? होती है, लेकिन अपने अच्छे कल के लिए हमें थोड़ी परेशानी तो उठानी ही पड़ती है। आगे चलकर ऐसी कोई परेशानी आन पड़े कि मैं खाना ढूंढने भी ना जा सकूं, तो फिर क्या खाऊंगी? बेकार की सोच है तुम्हारी, अपना तो एक ही वसूल है, मजे से खाओ और बाकी बचा फेंक दो। ये कहकर वो वहाँ से उड़ गया। इसी तरह कई महीने गुजर गए और बरसात का मौसम आया। एक ऐसा तेज तूफान आया कि बड़े बड़े पेड़ बर्बाद हो गए, केवल जो पेड़ मजबूत और मोटे थे वो ही जिंदा रह पाए। कौवा भी अपने घोंसले में आराम फरमा रहा था। आहा, क्या मस्त हवा चल रही है, काश ऐसे ही लेटा रहूं और कोई आकर मेरे मुंह में अंगूर के दाने डालता रहे। तभी एक झोंका ऐसा आया कि उसका घोंसला डाली से गिर गया और वो भी धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। अरे बाप रे, बारिश आ रही है, वो भी तूफानी, मुझे तो पता ही नहीं था। उसने देखा कि उसका घोंसला बह गया और आसपास के पक्षियों के आशियाने भी खत्म हो रहे हैं। ये क्या हुआ, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था। अब वो तेज बारिश में उड़ भी नहीं पा रहा था, हवा के झोंके उसे आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे और वो पीछे की तरफ जा रहा था। अब तो
मुझे किसी से मदद लेनी ही पड़ेगी। ये सोचकर वो टीनू चिड़िया के पास गया, जो कि अपने भाई के लकड़ी के घर में ठहरी थी। टीनू चिड़िया, अरे वो टीनू चिड़िया। उसकी आवाज सुनकर दरवाजा खुला और टीनू बाहर निकली। टीनू, मुझे भी अपने घर के अंदर ले लो, मेरा घोंसला बह गया है और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। ओह, तुम्हारे कौन से एहसान के बदले में तुम्हारी मदद कर दूं, बताओ। मैं मुसीबत में हूँ। तुमने उस दिन मेरी मम्मी के पंख टूटने की झूठी खबर सुनाकर मुझे कितना परेशान किया था ना, मैं भूखे पेट उड़ चली थी। अब तुमको समझ आएगा कि भूखे पेट मुसीबतों का सामना करना और मेहनत करके खाना कितना मुश्किल होता है। ऐसा कहकर उसने मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया। अब कौए को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। ना ही मेरे कर्म अच्छे थे और ना ही मेरा स्वभाव, तभी कोई मेरी मदद करना नहीं चाहता। ये सोच कर वो वहाँ से आगे बढ़ गया। उसने देखा कि वही चींटी अपनी गुफा के बाहर खड़ी है और उसके हाथ में एक पेड़ का पत्ता है। अरे चींटी, तुम ये क्या कर रही हो? मेरी गुफा के अंदर मेरा महीनों का जमा किया खाना है और ये पानी भी इसी रास्ते से होकर जा रहा है, इसलिए इस पंख के सहारे पानी को गुफा में जाने से रोक रही हूँ। क्या मैं भी तुम्हारी इस गुफा में रोक सकता हूँ चींटी? बिल्कुल रह सकते हो रॉकी भैया, अंदर मैंने बहुत सारा खाना जमा कर रखा है, उसके सहारे तुम कई दिनों तक बिना कहीं जाए आराम से गुफा में रह सकते हो। मैं तो वैसे भी इस तूफान के थमने तक इसी तरह पानी को अंदर जाने से रोकने के लिए खड़ी रहूंगी। चींटी के ये वचन सुनकर कौवे का दिल पिघल गया। मैंने तो तुम्हारी एक दाना उठाने में भी मदद नहीं की थी, और तुम हो जो अनाज तुमने पूरे महीने मेहनत से इकट्ठा किया है उसको मेरे हवाले कर रही हो। तो और क्या कर सकती हूँ कौवे भैया, ये इसलिए तो इकट्ठा किया था कि मुसीबत में काम आए, फिर चाहे मैं खाऊं या कोई और। तुम्हारी यह हिम्मत और दरिया दिली देख कर अब मुझ में भी मेहनत करने की भावना जाग चुकी है, अब देखो मैं क्या करता हूँ। अब वो कौवा वहाँ से उड़ा और फिर मुंह में एक कंकर उठाकर ले आया और फिर उसको चींटी के सामने डालकर फिर से उड़ गया। इसी तरह उसने दूसरा कंकर भी लाकर चींटी के सामने रखा। इस तरह उसने घंटों मेहनत की और जहाँ चींटी पत्ता लिए खड़ी थी वहाँ कई सारे पत्थर जमा हो गए, एक दीवार सी बन गई जिससे पानी टकराता हुआ आगे बढ़ने लगा। अरे वाह कौवे भैया, आपने तो बहुत बड़ी दीवार बना दी, अब तो पानी कभी भी इस गुफा के अंदर नहीं आ पाएगा। ये सुनकर कौवा बहुत खुश हुआ और फिर दोनों गुफा के अंदर जाकर खाना खाने लगे। बहुत मजा आ रहा है, अगर बिना मेहनत किए खाता तो इस खाने का जरा भी मजा नहीं आता। कौवे ने आज ये सबक सीख लिया था कि हमें मेहनत करनी चाहिए और दूसरों की मदद करते रहना चाहिए, तभी बुरे वक्त में हम अकेले और कमजोर नहीं रहते। मैना, तुमने मुझे बचाने के लिए कितनी मेहनत की और इसमें तुम्हारा मुंह भी गंदा हो गया, फिर भी तुमने हार नहीं मानी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। एक दिन मैना गोल्डी चिड़े के साथ सैर करने के लिए निकली। दोनों उड़ते हुए झरने के पास पहुँचे, वहाँ उन्होंने देखा कि एक कौवा नदी के किनारे जमे कीचड़ में फंसा है। उस कीचड़ में कुछ डंडियाँ भी पड़ी थीं, जिनकी वजह से वो कीचड़ से बाहर नहीं आ पा रहा था। अरे कौवे भैया, तुम इस कीचड़ में कैसे फंस गए? मैं कुछ देर पहले यहाँ से गुजर रहा था, एक हवा का झोंका आया और मैं धड़ाम से आकर इस कीचड़ में गिर गया। अब कोशिश कर रहा हूँ बाहर आने की, तो ये डंडिया मुझे ऊपर नहीं निकलने दे रही। तुम फिक्र मत करो, हम दोनों मिलकर इन डंडियों को निकालते हैं, फिर तुम इस कीचड़ से आजाद हो जाओगे। मैना, दिखता नहीं कि सारी डंडिया कीचड़ में गिरी है, इसको बचाने के चक्कर में हमारा शरीर भी सन जाएगा। मुझे इतना महान काम नहीं करना, तुम चाहो तो यहाँ रुक सकती हो। कहकर गोल्डी वहाँ से उड़ गया, लेकिन मैना कौवे को बचाने में लग गई।
वो एक एक डंडी को अपनी चोंच से उठाती और उनको जमीन पर एक तरफ छोड़कर दूसरी डंडी उठाने के लिए वापस आती। आखिरकार कुछ घंटों की मेहनत के बाद सारी डंडियां निकालने में वो कामयाब हो गई। लेकिन अब तक उसकी चोंच और मुंह पर कीचड़ लग चुका था। कौवे भैया, अब बाहर आने की कोशिश करो। उसकी बात सुनकर कौवे ने फड़फड़ाना शुरू किया और वो कीचड़ से बाहर आ निकला। ये देखकर मैना खुश हुई और कौवा भी बहुत खुश होते हुए बोला, मैना, तुमने मुझे बचाने के लिए कितनी मेहनत की और इसमें तुम्हारा मुंह भी गंदा हो गया, फिर भी तुमने हार नहीं मानी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं कौवे भैया, अब झरने पर चलकर इस कीचड़ को धो लेते हैं। उसकी जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ आओ। उसकी बात सुनकर मैना उसके साथ चल दी। कौवा उसे एक गुफा में ले गया। वहाँ उसने दीवार के पास रखी अपनी छड़ी उठाई और उसको पहले मैना के ऊपर घुमाया, फिर अपने ऊपर भी। दोनों के शरीर से कीचड़ साफ हो गई और ये देखकर मैना चौंक पड़ी। ये कैसा जादू है कौवे भैया? ये मेरी जादुई छड़ी है, तुमने मेरी जान बचाई है इसलिए मैं तुमको एक तोहफा देना चाहता हूँ। मुझे बचाते हुए तुम्हारी चोंच गंदी हो गई थी ना, अब मैं तुम्हारी इस चोंच को जादुई चोंच में बदल देता हूँ। ऐसा कहकर उसने मैना के ऊपर एक बार फिर से छड़ी घुमाई और उसकी चोंच सुनहरी सोने की चोंच बन गई। अब तुम्हारी ये जादुई चोंच दूसरे पक्षियों की मदद करने में तुम्हारे काम आएगी। जिस पक्षी को भी तुम अपनी चोंच से छू दोगी उसकी चोट या कोई भी दर्द हो मिनट से पहले ही ठीक हो जाएगा। अरे वाह, शुक्रिया कौवे भैया। अगर ऐसा सच में हो सकता है तो मैं जंगल के हर एक जानवर को ठीक करने की कोशिश करूंगी। कहकर मैना ने उससे विदा ली और अपने घोंसले पर वापस आ गई। सुबह मैना को किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। ये आवाज पास ही के घोंसले से आ रही थी। मैना इस आवाज को सुनकर उस घोंसले पर गई। वहाँ उसने देखा कि छोटी चिड़िया के पंख में चोट लगी है और वो दर्द से कराह रही है। मम्मी चिड़िया ये देखकर दुखी हो रही है। बेटा, बस थोड़ा इंतजार कर लो, मैं काली पहाड़ी जा रही हूँ, वहाँ से तुम्हारे लिए नीला फूल लेकर आऊंगी, उससे तुम्हारे पंख का दर्द ठीक हो जाएगा। लेकिन काली पहाड़ी तो बहुत दूर है, तब तक ये कैसे इतना दर्द बर्दाश्त करेगी? तो क्या करूं मैना बेटा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं, मैं जा रही हूँ। आप एक बार मुझे कोशिश करने दीजिए। कहकर मैना ने अपनी चोंच से उसके पंख को हल्के से छुआ। ऐसा करते ही उसका जख्म ठीक हो गया और दर्द गायब हो गया। वो खुशी से उठ खड़ी हुई। अरे वाह मम्मी, मैं तो एकदम ठीक हो चुकी हूँ और दर्द भी एकदम गायब हो गया। शुक्रिया मैना, तुम नहीं होती तो पता नहीं ये कब ठीक होती। तुम इस जंगल की सबसे अच्छी पंछी हो। कोई बात नहीं, आगे जरूरत हो तो याद करना। इतना कहकर मैना खुश होते हुए अपने घोंसले को वापस चली गई। शाम के वक्त उसके घोंसले पर एक तोता आया। मैना, सुना है तुम अपनी जादुई चोंच से कोई भी चोट ठीक कर सकती हो? हाँ, मैं कोशिश कर सकती हूँ, बताओ किसको चोट आई है? मेरे साथ चलो मैना। सुनकर मैना उसके साथ चल दी। वहाँ तोते के भाई के पैर में चोट लगी थी जिसकी वजह से वो तड़प रहा था। मैं इनको अभी ठीक करने की कोशिश करती हूँ। कहकर मैना ने अपनी चोंच से उसके पैर को छुआ तो उसकी चोट भी ठीक हो गई और वो उठ खड़ा हुआ। दोनों ने मैना को खूब धन्यवाद किया और मैना भी खुश होते हुए अपने घोंसले को वापस चली गई। अब ये बात पूरे जंगल में फैलना शुरू हो गई और गोल्डी के कानों तक पहुंची। जादुई चोंच, क्या बकवास है, और अगर ऐसा भी है तो वो बिना कुछ पक्षियों से लिए ठीक क्यों कर रही है? मैं अभी जाकर उस चोंच को ही ले आता हूँ। ये सोचकर गोल्डी ने अपने घोंसले में रखा चाकू निकाला
और उसके पंजों में फंसा कर मैना के घोंसले की तरफ चल दिया। मैना उसके पास चाकू देखकर डर गई। ये चाकू तुम किस लिए लेकर आए हो गोल्डी? बहुत हो गया सबका फ्री का इलाज, अब इस चोंच को मैं लगाऊंगा और सबसे इलाज के बदले कुछ ना कुछ काम जरूर लूंगा। ऐसा कहकर उसने मैना की चोंच पर चाकू चला डाला और उसकी चोंच कटकर नीचे गिर गई। मैना बहुत बदसूरत दिखने लगी। अपनी चोंच को जमीन पर पड़ा देख वो रोने लगी। गोल्डी ने चोंच को अपने पंजों में दबाया और वहां से उड़ चला। लेकिन जब वो अपने घोंसले पर पहुंचा तो वही कौवा तैयार खड़ा था। तुमने मैना पर हमला किया, उसको चोट पहुंचाई। कौवा भैया, आप प्लीज ये चोंच मुझे लगा दीजिए, उसकी जगह अब मैं इस चोंच से पक्षियों को ठीक किया करूंगा। मुझे पता है कि तुमको दूसरों की मदद करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इतना कहकर कौवे ने अपनी छड़ी घुमाई और देखते ही देखते गोल्डी की चोंच पत्थर की बन गई। उसका मुंह भारी होकर दुखने लगा और वो दर्द से कराहने लगा। कौवा वहां से उड़कर मैना के पास पहुंचा तो वो अपने घोंसले में पड़ी रो रही थी। मैना, तुम रोना बंद करो, मैं अभी तुमको ठीक कर देता हूँ। इतना कहकर उसने मैना के ऊपर छड़ी घुमाई और उसकी चोंच फिर से वापस आ गई। वो खुशी से झूम उठी और कौवा उससे विदा लेकर वहां से चला गया। मैना का दिल बहुत नरम था, इसलिए वो गोल्डी के घोंसले पर गई और उसकी चोंच को ठीक कर दिया। ये सब बाकी के पक्षियों ने भी देखा और उसकी बहुत तारीफ की। फिर गोल्डी ने भी मैना से माफी मांगी और उसके बाद मैना खुश होती हुई अपने घोंसले को वापस चली गई।